हाय गाइस, जय हनुमान। जहां एक और आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट हर साल लाखों की संख्या में जेईई मेन और जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों लाखों बच्चे बिट्स का एग्जाम भी देते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में रैंकिंग आती है बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस की। और अभी बिटसेट की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल भी रहा है, अप्लाई करने की डेडलाइन 21 मई तक बिट्स ने दी है। लेकिन एक ब्लंडर बिट्स से हो चुकी है, या मैं कहूं कि बिट्स ने एक थोड़ी सी गलती है बिट्स ने कर दी इस साल के बच्चों को। दो अटेम्प्ट तो दे दिए, लेकिन दो अटेम्प्ट देने के लिए थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस रखा है वो काफी हार्ड रख दिया है। यानी स्टूडेंट जिनको फॉर्म फिलिंग के हिसाब से बिट्स के एग्जाम देने हैं, चाहे बिट्स का एग्जाम उन्हें एक अटेम्प्ट देना है या उनको केवल सेकेंड अटेम्प्ट देना है, वो ऐसा दोनों अटेम्प्ट के लिए ही उनको फॉर्म भरना होगा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर वो चाहें तो जून वाले अटेम्प्ट को फॉर्म ही ना भरे और छोड़ दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिट्स का इस साल दो अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला बिट्स का अटेम्प्ट 20 से 26 जून के बीच में है और दूसरा बिट्स का अटेम्प्ट 22 जुलाई से 26 जुलाई है। यानी एक अटेम्प्ट बिट्स का जेईई एडवांस का एग्जाम जो कि 3 जुलाई को है उससे पहले है, और एक बिट्स का एग्जाम 3 जुलाई जेईई एडवांस के बाद है। यानी इस साल बिट्स ने आप सभी को दो ऑप्शन तो दे दिए, लेकिन बिट्स ने फॉर्म फिलिंग के टाइम में इस चीज को बहुत मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप बिट्स का पहले सेशन का एग्जाम जो कि 20 से 26 जून को है इसके लिए फॉर्म नहीं भरते हैं, और आप चाहें कि आप सेकंड सेशन का एग्जाम जो कि 22 से 26 जुलाई है केवल उसको भी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिट्स ने बोला है कि पहले सेशन का एग्जाम चाहे आपको देना है चाहे नहीं देना है, आपको बिट्स के पहले सेशन के लिए भरना होगा। यानी जेईई एडवांस एग्जाम से जो 6 दिन पहले 6 डेज पहले बिट्स का एग्जाम है उसके लिए अप्लाई सभी को करना जरूरी है। अगर बिट्स के पहले सेशन के लिए आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप सेकंड सेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं इस चीज को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर तक जो बिट्स का फॉर्म था वो 3400 का बॉयज के लिए था, 2900 के लिए गर्ल्स के लिए था। इस साल भी ऐसा रखा गया है कि अगर आप एक सेशन के लिए अप्लाई करते हैं पहले सेशन के लिए तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको चार्ज 3400 बॉयज को, 2900 गर्ल्स को देना होगा। लेकिन अगर आप दोनों सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि दूसरे सेशन के लिए अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जो कि पहले सेशन के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको 5400 देना होगा बॉयज को और 4400 देना होगा गर्ल्स को। लेकिन हम देख रहे हैं कि जेईई एडवांस का एग्जाम जो कि 3 जुलाई को है, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो जून के एग्जाम के लिए बिट्स में बैठे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आईआईटी की प्रिपरेशन का टारगेट उनका आईआईटी है, सेकेंडरी ऑप्शन उनका बिट्स का है, वो चाहते हैं जून का अटेम्प्ट भले वो छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर जून का अटेम्प्ट के लिए वो भले एग्जाम छोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलिंग के लिए उनको दोनों ऑप्शन के लिए अप्लाई करना होगा। बिट्स को हम चाहिए कहना चाहेंगे कि अगर बिट्स ये कर दे कि बच्चों को फ्री हैंड कर दे कि वो केवल सेकेंड सेशन के लिए अप्लाई कर सके तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज बच्चों को अननेसेसरी अगर वो जून के अटेम्प्ट को नहीं देना चाहते हैं तो उनको 2000 रुपीज बॉयज को और लगभग 1500 रुपीज अननेसेसरी गर्ल्स को पे करने पड़े। अगर वो एक अटेम्प्ट को छोड़ते भी हैं और वो केवल सेकेंड अटेम्प्ट को देना चाहते हैं तो भी उनको दोनों अटेम्प्ट एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए बाउंड कर दिया है। हालांकि बिट्स ने एक फायदा बच्चों को यह दिया है कि अगर वो जून वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं तो वो चाहे तो जून वाले अटेम्प्ट को छोड़ सकते हैं। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो भी वो जुलाई वाले अटेम्प्ट को अगर एग्जाम देते हैं तो उनके जुलाई वाले अटेम्प्ट में जो बिटसेट का स्कोर आएगा उससे उनको बिट्स में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बच्चे जून का अटेम्प्ट भी दे रहे हैं और जुलाई का भी बिटसेट का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनके हायर बिटसेट के स्कोर के हिसाब से उनको बिट्स में एडमिशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो बिट्स ने एक राहत बच्चों को कम से कम ये दे दी है कि अगर आप चाहें तो जून वाले सेशन का फॉर्म भर दें, लेकिन अगर आपको नहीं देना है क्योंकि आईआईटी के 6 दिन पहले है, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, अगर आप नहीं दे पा रहे बिट्स के पहले सेशन का एग्जाम, तो अगर आप सेकंड सेशन का बिट्स का एग्जाम देते हैं तो सेकंड सेशन के हिसाब से ही आपके बिट्स का जो स्कोर आएगा उससे आपको पिलानी, गोवा और हैदराबाद में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहां पर बच्चों से जो चार्ज लिया जा रहा है 5400 बॉयज से और 4400 गर्ल्स से, अगर वो दोनों अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरते हैं वो थोड़ा सा अगर बिट्स अगर ध्यान दे दे तो बच्चों के फेवर में होगा।
अदरवाइज बिट्स ने पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई है कि जेई एडवांस से पहले जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो पहले अटेम्प्ट को दे दें, जेई एडवांस के बाद जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो दूसरा अटेम्प्ट को दे दें, और अगर बच्चे कंफर्टेबल हैं कि वो एडवांस से पहले और एडवांस के बाद बिट्स के दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके हायर स्कोर के हिसाब से बिट्स का ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से उनको जो भी बिट्स का स्कोर आएगा, रैंक नहीं बोलूंगा, बिटसेट का स्कोर आएगा, उससे उनको बिट्स में पिलानी गोवा हैदराबाद में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो फीस का चार्ज है वो जबरदस्ती बच्चों को देना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बच्चों के ऊपर एक बोझ है। अगर इस चीज को बिट समझे और ये ऑप्शन दे दे कि आप चाहे तो पहले अटेम्प्ट के लिए भरे, आप चाहे तो दूसरे अटेम्प्ट के लिए भरे, जो भी चार्ज आपके अटेम्प्ट के हिसाब से होगा वो बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, ये थोड़ा सा बच्चों के ऊपर एक दिखाई दे रहा है बर्डन है। अदरवाइज बिट्स की बहुत अच्छी पॉलिसी इस बार दिखाई दे रही है कि बच्चों को दो अटेम्प्ट देने का मौका दिया जा रहा है, चाहे वो पहला अटेम्प्ट दे दें जो कि जून में है, चाहे वो दूसरा अटेम्प्ट दे दें जो कि जुलाई में है, उनके हायर स्कोर के हिसाब से ही उनका एडमिशन बिट्स में होगा। और अगर वो दोनों में से फॉर्म भरने के बाद भी कोई एक अटेम्प्ट को छोड़ते हैं तो भी जो अटेम्प्ट वो दे रहे हैं उसी के हिसाब से उनको बिट्स में एडमिशन मिलेगा। ये बिट्स की काफी अच्छी पॉलिसी है। तो मिले रहे हमारे साथ, जुड़ते रहे, कोशिश रहेगी कुछ ऐसे नए कॉन्टेंट के साथ आपके बीच लाइव आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आपको वीडियो बेसिस पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।